आज हम पढ़ेंगे गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। तो गिब एंड क्वार्टर जॉइंट आर यूज्ड टू रॉड ऑफ अ स्क्वायर फॉर रॉड ऑफ स्क्वायर। इट मीन स्क्वायर रॉड्स को जॉइंट करने के लिए हम गिब और क्वार्टर जॉइंट यूज करते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, एक एंड पे हम क्या करेंगे, द वन एंड वन रॉड फिट द एंड एंड द अदर रॉड विच इज मेड फॉर्म ऑफ द स्ट्रिप। यानी कह रहा है वो कुछ स्क्वायर शेप्ड की, ऐसे स्क्वायर शेप की होगी कुछ इस तरह की। दो अगर मेरे पास रॉड हैं तो उन्हें हम कैसे फिट कर सकते हैं, गिब एंड क्वार्टर जॉइंट के थ्रू। ठीक, तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, लुईस फाउंडेशन बोल्ड, फाउंडेशन बोल्ड होते हैं वहाँ यूज करते हैं, पिस्टन रॉड, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन रॉड को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं, है ना, स्टीम इंजन्स के अंदर। अब साइकिल में बहुत सी बार यूज करते हैं इसको, पैडल के लिए, पैडल को कनेक्ट करने के लिए, ये इसके यूजेज है ना। अब ये मैंने डिसमेंटल व्यू बनाया है इसका। इसके डिसमेंटल व्यू में हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये मेरे पास एक शाफ्ट है, ये स्क्वायर शाफ्ट है, तो उसका एक एंड कुछ ऐसा होगा, ऐसे फोर्क टाइप का होगा, ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। तो ये सारी डायमेंशंस मैंने इसकी दे रखी हैं, यहाँ से हमें ये डायमेंशंस पढ़नी है और फिर इसे असेंबल करना है। तो एक ये फोर्क एंड होगा, एक ये आई एंड होगा, ये हमारे पास गिब है, ये क्या है गिब, और ये हमारे पास क्वार्टर है जैसा कि आपने वीडियो में देखा था इन दोनों को। तो अब हमें कुछ ऐसे फोर्क को ऐसे रखना है और इसके बीच में फिक्स करनी है ये आई रॉड। इन दोनों को फिक्स करने के बाद, प्रॉपर अलाइन करने के बाद, इन सेगमेंट्स को प्रॉपर अलाइन करने के बाद, इसके अंदर हमें क्या करना है, गिब इंसर्ट करनी है, ये गिब इंसर्ट हो रही है, फिर उसके बाद इसमें क्वार्टर इंसर्ट करना है, तो हमारा जॉइंट इससे असेंबल्ड हो जाएगा, बन जाएगा, लग जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, ये मैंने इसकी असेंबली की हुई है। असेंबली करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या इसका ट्रिक है। अगर मैं बाहर से बनाना शुरू करूंगा, यहाँ से बनाना शुरू करूंगा, तो हो सकता है मेरी मिस्टेक हो जाए, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर मैं इसे बाहर से अंदर की तरफ बनाऊंगा। तो मुझे इस फ्रंट व्यू को बनाने के लिए क्या करना है, अंदर से बाहर की ओर बनाना है। यानी कि पहले मैं सेंटर लाइन ले लूं, जैसे कि हम सेंटर लाइन लेते हैं, ठीक, उसके बाद इस सेंटर लाइन में मेरे को क्या डालना है, ये डालना है, ये क्वार्टर डालना है। ठीक, तो ये मैं यहाँ पे इस सेंटर लाइन को बनाने के बाद ये क्वार्टर बनाऊं, ठीक, इस क्वार्टर के बाद फिर मैं ये गिब बनाऊं यहाँ पे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले मैं अंदर से बाहर की तरफ जाऊं। अगर मैं बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा तो मेरी डायमेंशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ गलती हो सकती है। अगर मैं अंदर से बाहर की ओर जाऊंगा तो मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक, अब ये दोनों जब चीजें बन जाएंगी मेरे पास, तो मैं ये फोर्क एंड बनाऊं, फिर यहाँ से जो भी डायमेंशन है वो मैं ये फोर्क एंड बनाऊं, है ना। अब उसके बाद इसके अंदर फिर मैं ये आई एंड बनाऊं, ये यहाँ पर ये आई एंड बनाऊं, तो आसानी रहेगी मुझे इसमें फ्रंट व्यू बनाने में। अब चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं, बनाना कैसे है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आप एक सेंटर लाइन ले लो, ये कहीं यहाँ आएगी, डिजिटली मैं इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहा, मगर आपको प्रॉपर सेंटर लाइन लेनी है, ऐसे जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया, ये वाली सेंटर लाइन। तो मैंने ये सेंटर लाइन ले ली, अब मुझे इस क्वार्टर की डायमेंशन चाहिए, है ना। तो इसकी डायमेंशन क्या है वो मुझे यहाँ से चेक करनी पड़ेगी, यहाँ से देखनी पड़ेगी। अब मैं केवल इस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, इसकी डायमेंशन की बात कर रहा हूँ इसकी, है ना, इस क्वार्टर पिन की बात कर रहा हूँ। तो इसकी सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसकी हाइट चेक करनी है मुझे, इसकी हाइट कितनी है। तो इसकी हाइट कितनी है, ये देखिए, ये दिख रही है आपको हाइट, 132। इसकी टोटल हाइट इस क्वार्टर की कितनी है, 132। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ अपनी
असेंबली में, तो यानी कि मुझे ये, मैंने एक सेंटर लाइन खींच ली, एक ये सेंटर लाइन खींच ली, अब मुझे इस 132 की क्वार्टर पिन बनानी है। तो मेरे पास 132 है, तो ये मैंने एक सेंटर लाइन ली थी, ये एक सेंटर लाइन ली थी, इस सेंटर से अब मुझे 132 लेना है पूरा। तो 132 का आधा यहाँ मैं पॉइंट लगा लूँ और आधा 132 का यहाँ कहीं पॉइंट लगा लूँ, तो ये इतनी हाइट होगी क्वार्टर की, क्वार्टर पिन की मेरी इतनी हाइट है जैसा कि इस ड्राइंग में दे रखा है ना, जैसा कि यहाँ पे 132 दे रखी है। अब मैं यहाँ से नीचे ऊपर देखूंगा तो ये कितना है, ये 18 mm दे रखा है और नीचे कितना है, 27 mm है ना, तो यहाँ पे 18 है और यहाँ 27 है। तो फिर मैं जाता हूँ यहाँ असेंबली पर, तो ये देखो 18 और 27 इसमें भी लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट से ये सेंटर लाइन आ गई, इस सेंटर लाइन से अब मैं क्या करूँगा, इस सेंटर लाइन से 27 यहाँ कहीं ले लेता हूँ यहाँ से, है ना, ये सेंटर लाइन है ना, तो नीचे आ जाते हैं पहले, इसको बना लो तो इजी बन जाएगा, ये 18 है टोटल है ना, तो इससे मैं यहाँ 9 ले लेता हूँ, ये पॉइंट मिल गया मेरे को, और यहाँ से मैं 9 ले लेता हूँ, तो ये 18 पूरा हो जाएगा नीचे का पोर्शन। अब इसको मैं ऊपर पूरा 132 तक ले जाता हूँ इस लाइन को, यानी कि इस वाली लाइन को, ये 9 9 दोनों साइड ले लिया, तो यहाँ पॉइंट मिलेगा मुझे। अब इसको मैं ऊपर ले गया पूरा 132 तक, अब 132 पे मुझे यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा। हम ये इजी तरीके से बना रहे हैं क्योंकि हमें इसमें फिर टेपर नहीं देखना पड़ेगा, ये पॉइंट मिल गया मुझे। अब क्या करना है मुझे, इस पॉइंट से 27 mm मुझे बाहर आना है, जहां कहीं भी लाई करे, यहां से यहां तक मैं आ गया तो मुझे ये पॉइंट मिल गया 27 mm पे। ठीक, अब मुझे क्या कर देना है, इस 27 को लेके इससे ज्वाइन कर देना है। ठीक, ये पूरी क्वार्टर पिन बन जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसमें हमें ये टेपर नेस फिर चेक नहीं करनी पड़ेगी, ये टेपर देखना नहीं पड़ेगा, ये एग्जैक्ट जितना भी टेपर है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। दोबारा एक बार सुन सकते हैं आप, मैं दोबारा बता देता हूँ फटाफट। ये टोटल हाइट मेरे पास 132 थी, दो सेंटर लाइन ले ली मैंने, ये 132 का आधा ऊपर और आधा नीचे ले लिया। अब मैंने नीचे देखा, नीचे कितनी, ये 18, तो इस पॉइंट से मैंने 9 इधर ले लिया और 9 इधर ले लिया, 18 का आधा आधा दोनों साइड। अब इस 9 पॉइंट से, इस पॉइंट से मैं ऊपर लाइन खींची 132 तक, क्योंकि इसमें दे रखी है प्रॉब्लम में, तो मेरे पास ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट ए मिल गया, तो इस पॉइंट से मैं 27 बाहर गया, यहाँ आ गया, ये मिल गया मुझे। अब इन दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ दिया सिंपली, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों पॉइंटों को मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरी क्वार्टर बन गई। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मुझे ये टेपर पे काम ना करना पड़े, अदरवाइज इस टेपर को निकालने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती मेरे को। इजी मेथड क्या है, पहले मैंने नीचे 18 बना लिया, फिर ऊपर ले आया, फिर यहाँ से 27 बना लिया, फिर उन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, तो जो भी इसकी टेपर नेस है वो एग्जैक्ट आएगी आपके पास। ठीक, अब हम इसमें गिप डालेंगे, तो गिप की डायमेंशन देख लेते हैं। अब देखिए इसकी थिकनेस 12 है ना, और इन दोनों का बीच में सेंटर डायमेंशन 42 दे रखी है इसने, ये दे रखी है इसने 42 सेंटर डायमेंशन। ठीक, तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, 42 लेना है मुझे सेंटर से, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, यानी कि उसने क्या दे रखा है, इस पॉइंट से यहाँ से इसने 42 दे रखा है यहाँ तक। ठीक, इस पॉइंट से यहाँ तक 42। ठीक, और ये जो बीच में गैप स्पेस दिख रहा है ये 3 mm का है, देखो इसने यहाँ 45 लिख रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक आप एंड तक आओगे तो 45 हो जाएगा, मगर मुझे कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए क्योंकि गिप बनानी है मुझे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 42 आ जाऊँगा, तो मेरे पास ये पॉइंट मिल गया सेंटर लाइन पे, क्योंकि मैंने दो सेंटर लाइन ले रखी है, यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ इस आखिरी पॉइंट से, इस क्वार्टर वाले इस पॉइंट से यहाँ तक मैं 42 आ गया। अब मुझे इसकी और डायमेंशन देखने की जरूरत है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ ये 42 आ गया, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मैं इसकी अंदर वाली डायमेंशन देख रहा हूँ, अंदर वाली डायमेंशन ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 60 mm,
ठीक रही है। इसे बोलते हैं ड्राइंग पढ़ना। अगर आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आती है तो आप असेंबली नहीं कर पाएंगे। यानी कि 60 mm का मतलब इस पॉइंट से मैं 30 ऊपर चले जाऊं, 30 नीचे आ जाऊं तो काम बन जाएगा। यहां से यहां तक मैं 30 mm आ गया, ठीक, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30 mm आ गया, तो ये टोटल 60 आ जाएगी मेरे पास। 60 क्यों लिया है? क्योंकि हमें प्रॉब्लम में दे रखा है, जितनी भी दे वो 70 80 जो भी हो, ये इस प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 60 है, तो हमने 60 ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए? ये आउटर डायमेंशन। ये आउटर कितनी दे रखी है इसने? 90, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, कुछ भी हो सकती है ये। अब मुझे बाहर निकलना है 90 पर, यानी कि इस पॉइंट से दोबारा मुझे कितना आना है? 90। इस पॉइंट से मुझे ये वाली अगर थिकनेस चाहिए तो मुझे 90 आना है, तो इस पॉइंट से मैं दोबारा यहाँ तक इस पॉइंट पर 90 का आधा 45 ले लूंगा इधर, और 45 ले लूंगा इधर, ठीक। तो मुझे ये यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, तो गिब की ये वाली डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी, है ना। तो चलिए अब देखते हैं पीछे, दोबारा ड्राइंग पढ़ते हैं। यानी कि ये 60 ले लिया मैंने और ये 90 हाइट ले ली, ये दोनों हाइट्स मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस गिब की, ये देखो ये 12 दे रखी है, ये अंदर कितनी है? 12, और मुझे ये वाली हाइट चाहिए अब, है ना। तो ये नीचे 27 है, ये इधर 12 है, तो अब मुझे कौन सी हाइट चाहिए? ये आगे करता हूँ, अब मुझे ये वाली हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? देखो यहाँ पे ये 45 लेके आया है ना, तो 45 तक तो यहाँ तक ये मिल ही गया मुझे। यहाँ से देखो, यहाँ से ये 45 लेके आ रहा है, हम यहाँ 43 लेके, 42 लेके आए थे, तो यहाँ से मुझे कितना निकालना है? 12, ये नीचे दे रखा है, देख रहे हैं आप जैसा कि फिगर में, ये क्या है, यहाँ से 42 से आगे मुझे कितना एक्सटेंड करना है? 12, इसमें पीछे फिगर में भी दे रखा है, तो मैं यहाँ से ये 12 ले लूँगा, ये 12 ले लूँगा, यहाँ से इस पॉइंट से ये 12 का पॉइंट आ जाएगा, और ये इसे मैच कर दूंगा मैं सीधे, है ना। तो ये मेरे पास कर्व बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इतना, और इसको वापस में मैच कर दूंगा, है ना। ये पॉइंट मेरे पास आ चुके थे पहले ही, तो मैं यहाँ से लेके इसको वापस ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये दोनों पॉइंट थे मेरे पास, और ये इससे मैच करा दूंगा, ये मेरे पास पॉइंट है इनर रेडियस का, ये मैच करा दूंगा, ये यहाँ से ये मैच करा दूंगा, तो ये मेरी गिब बन जाएगी, है ना। ये मेरी इसमें गिब डल गई। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये फोर्क बनाना है। इस फोर्क को बनाने के लिए इसकी डायमेंशन चाहिए, तो इसकी डायमेंशन के लिए फिर मैं डिसमेंटल व्यू में जाऊंगा, ये रही मेरे पास डायमेंशंस, है ना। तो इन दोनों को मैंने फिक्स करके इन सेगमेंट्स में डाल रखा है। अब इन सेगमेंट्स की मुझे ये डायमेंशंस देखनी है, जैसे कि ये सेगमेंट की डायमेंशन यहाँ पे 45 है, यहाँ ये 36 है, यहाँ 39 है, टोटल ये डिस्टेंस कितना है? 144, 144। चलिए तो अब देखते हैं इस फोर को बनाने के लिए, इस फोर को बनाने के लिए देखो, यहाँ से इस सेंटर से, इसके यहाँ से सेंटर से 144 है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, तो ये कहाँ से 144 है वो हमें चेक करना है। देखो यहाँ से ये 144 है पूरा, और इस अंदर वाले एंड से ये 36 बाहर है ना। ये सेगमेंट जो है ये कितने का? 45 का। तो इस सेगमेंट को पहले हम बना लेते हैं ना, इस सेगमेंट का रोल देख लेते हैं पहले हम, ठीक, तो आसानी रहेगी। तो इस सेगमेंट में अगर मैं बनाऊंगा, तो यहां से लेके यहां तक ये सेगमेंट है जो कि उसने पीछे डायमेंशन में दे रखा है। इस सेगमेंट के बाद ये डायमेंशन मुझे चाहिए, ये सेगमेंट तो इसमें फुलफिल हो गया, अंदर इन दोनों में आई गया, अब इस सेगमेंट के बाद मुझे ये डायमेंशन चाहिए। ये डायमेंशन क्या है? अगर ये डायमेंशन मिल जाए मुझे, तो मैं यहाँ यही वाला स्ट्रिप बना दूंगा, ये पूरा एरिया बना दूंगा, है ना। तो इसको मैं पीछे देख लेता हूँ क्या डायमेंशन है। ये डायमेंशन देखो, ये सेगमेंट हो गया 45 का, और इसके आगे ये दिख रही है मुझे 39,
तो यानी कि ये मुझे 39 तक लेके आना है, ये मुझे क्या करना है 39 तक लेके आना है। इस पॉइंट से ये पॉइंट मुझे मिल चुका है ना, यहाँ इस पॉइंट से ये सेगमेंट तक का पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं 39 लेके आ जाऊंगा। ठीक ऐसे ही मैं यहाँ नीचे ये 39 ले आऊंगा, ये दोनों लाइनें मुझे मिल जाएंगी, जहां तक जाए 39 पे, यहाँ तक 39 पे आ गई। ठीक अब मुझे क्या चाहिए, इसकी ये थिकनेस चाहिए, ये थिकनेस नहीं है मेरे पास, तो थिकनेस के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा इस पे देखूंगा थिकनेस, देखो कितनी है इसकी, इसकी थिकनेस कैसे जाएगी, ये अंदर 36 दे रखा है, बाहर 60 दे रखा है, तो 60 में से मैं 36 माइनस कर दूं, और आधा इसे है ना, देखो समझो इसे दोबारा, 60 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूंगा जो भी वैल्यू आए मेरे पास, तो वो कितनी डिस्टेंस होगी, ये और प्लस ये वाली थिकनेस और ये वाली थिकनेस, यही तो होगी, तो 60 में से 36 में माइनस कर दूंगा, तो जो भी वैल्यू आए वो आधी डिस्टेंस तो ये है और आधी डिस्टेंस ये है ना, तो ये डिस्टेंस मेरे पास निकल आएगी, ये थिकनेस मेरे पास निकल आएगी, तो इस थिकनेस को उठा के मैं सिंपली यहाँ आ जाऊंगा, बना लूंगा, तो जो भी मेरे पास थिकनेस आई है उस थिकनेस को यहाँ मैं ये ले लूंगा है ना, ये ऑटोमेटिक इसमें आपको ज्वाइन कर देनी है। थिकनेस कैसे निकालते हैं वो हमें समझ में आ गया है ना, मगर मेरे पास जो सेगमेंट है वो यहाँ पे है, ये फिक्स है, तो ये पॉइंट मेरे पास है पहले से, ये मैं 39 चला गया, ऐसे ही सेगमेंट यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास है क्योंकि हम पहले बना चुके हैं ना इसको, क्वार्टर को और गिप को हम पहले बना चुके हैं, इसलिए हमें ये आसानी हो रही है, अगर हम बाहर से शुरू करते तो हम फंस जाते। देखो अब दोबारा देखो, यहाँ से हम यहाँ 39 जा चुके हैं, ये सेगमेंट वाला पॉइंट मुझे मिल चुका है, अब मैं सिंपली अगर इसे यहाँ पे ज्वाइन भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, मगर ये वाला फोर कभी हमने नहीं बनाया है, इसलिए मुझे ये थिकनेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उस 60 में से 36 को माइनस करके ये आधी आधी थिकनेस मुझे मिल जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा यहाँ तक आ गया और इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि फोर का मेरा आगे का पोर्शन ये पोर्शन बन गया, ये दोनों लीवर बन गए, अब मुझे ये पीछे का पोर्शन बनाना है इस फोर का है ना, इस रॉड के फोर का ये पीछे का पोर्शन अब मुझे बनाना है, अब दोबारा देखते हैं इसकी डाइमेंशंस। ठीक ये सेगमेंट बन गया मेरे पास, ये 39 मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन पूरा मेरा ड्रॉ हो गया, ये सेगमेंट में मैंने ये गिप क्वार्टर डाल लिए, अब मुझे ये पीछे देखना है ना, ये देखना है, अब ये पोर्शन कितना है 36। ठीक बट कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये देख रहे हो आप इंटरनल है, ये अंदर तक है 36, यहाँ तक है केवल। ठीक तो अब मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस अपनी ड्राइंग पे, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, यहां से ये यहां तक आ जाएगा, ये केवल अंदर तक मिलेगा, उसने कहा है अंदर तक है, और देखो ये 39 यहाँ पे भी इसने दे रखा है इस फ्रंट व्यू में, ये रहा 39, तो आप यहाँ से यहाँ तक 39 आ गए, फिर सेम आप यहाँ से यहाँ तक 39 आ गए है ना, अब आपको ये आउटर रेडियाई यहाँ तक आना है, यहाँ तक कैसे आओगे, ये रहा 144 दे रखा है, ये मेरे पास एंड है ही, ये मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, तो यहाँ से सिंपली मैं यहाँ तक आ जाऊंगा 144 तक, जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा वो मैं यहाँ आगे इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ, ये लाइन एक्सटेंड हो गई, अब मुझे यहाँ एक आर्क लगाना है। ठीक तो अब मेरे पास आर्क कितने का है, ये आर्क मेरे पास ये रहा R10 है, तो R10 शुरू करते हैं हम, यहाँ मैं R10 आर्क लगा दूंगा, आर्क मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको बताया था। ठीक तो यहाँ पे R10 का आर्क लग जाएगा और सिंपली मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक ये हमें जानना है, तो आप देखो अगर मैं कोई स्क्वायर शाफ्ट बनाता हूँ और शाफ्ट को ऐसे बनाता हूँ सीधी लाइन, तो इसका मतलब हो जाएगा ये शाफ्ट यहाँ पे खत्म हो गई है, अगर ये शाफ्ट आगे भी है कंटिन्यूटी में है आगे स्क्वायर शाफ्ट, तो मैं इसका कुछ ऐसे करके बनाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, फ्री हैंड इसे ज्वाइन कराऊंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शाफ्ट आगे भी है कहीं, अगर इसकी जगह सर्कुलर होती, राउंड शेप में होती, सर्कुलर शाफ्ट होती, तो
तो उसका मैं कुछ सिंबल ऐसे ड्रॉ करता। खैर नेक्स्ट ड्राइंग में हम बताएंगे, ये डिजिटली मैं अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ ऐसे ड्रॉ। और यहाँ मैं हैचिंग कर देता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये सर्कुलर शाफ्ट है और ये आगे भी आगे एक्सटेंड है, तो इस जॉइंट में ये सर्कुलर शाफ्ट आगे भी है, ये स्क्वायर शाफ्ट आगे भी है, ये स्क्वायर शाफ्ट है ना, तो ये वाली आर के बाद वाली ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, तो आप ये डिस्टेंस अपने आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हैं, कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में ये शाफ्ट आगे है। तो मेरी यहाँ तक ये शाफ्ट बन गई, ये आर्क आर टेन ले लिया और इसको मैंने सिंपली ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा फोर्क बन गया। अब मुझे अंदर की डिस्टेंस देखनी है, ये थिकनेस मेरे पास है, मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक, तो ये थिकनेस मेरे पास है, तो ये थिकनेस की लेके मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, ये डायमेंशन भी है, इसमें नीचे आ जाऊँगा है ना, क्योंकि यहाँ से नीचे से मैं थिकनेस ले लूँगा तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, और फिर वैसे यहाँ से ये ज्वाइन कर, तो मेरा ये नंबर वन फोर्क बन गया, ठीक, ये नंबर वन फोर्क मेरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये आई एंड बनाना है, नंबर टू शाफ्ट इस पे डालनी है। अब तक मेरा क्या असेंबल हो गया, ये क्वार्टर असेंबल हो गया, ये गेब असेंबल हो गई और ये फोर्क एंड डल गया। अब मुझे इसमें ये आई एंड डालना है, आई एंड कैसे डलेगा, अब इसकी डायमेंशन देखते हैं, ठीक, अब ये रही आई एंड की डायमेंशन, ये 45 का 45 का सेगमेंट हमारे पास, यहाँ पे भी 45 का है ना, और ये वाली डिस्टेंस उसने क्यों नहीं दे रखी, क्योंकि ये क्या है, ये शाफ्ट आगे भी है, ये देखो कटी हुई शाफ्ट है, उसने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई, ये हैचे ऐसे बनाई है, फ्री एंड बनाई है, तो इसका मतलब ये शाफ्ट भी आगे, ये आई एंड आई रॉड भी आगे है, आगे की तरफ कंटिन्यूटी में, तो ये कितने बाई कितने की है, ये 38/36 की है ना, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मैंने ये फोर्क बना लिया था, तो सिंपली ये अंदर का अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये एरिया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये कटी हुई है, यहाँ आगे से ये कटी हुई है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस मैं चाहता हूँ वो ले सकता हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में है ये शाफ्ट, तो मैं यहाँ से लेके इसे सिंपली कोई भी डायमेंशन लेके, ये डिस्टेंस मेरे पास है ही, ये डायमेंशन लेके इसको मैं ऐसे मैच करा दूंगा, ठीक, तो ये मेरी सेकंड फोर्क बन जाएगी, तो ये मेरा फ्रंट व्यू टोटल बन के तैयार हो गया। आप देखिए इस ड्राइंग में भी आप पढ़ सकते हैं, ये देखो 90 दे रखी है गिब की, ये टोटल हाइट है ना, ये 132 दे रखी है, इसकी अंदर की हाइट नहीं दे रखी, तो कुछ डायमेंशन इसमें जो मिसिंग होंगी वो आपको डिसमेंटल व्यू में देखना है, कुछ डिसमेंटल व्यू में नहीं होंगी तो वो आपको यहाँ पे देखनी है, मगर आपको फ्रंट व्यू अंदर से बाहर की ओर बनाना है, अगर आप बाहर से अंदर की ओर बनाएंगे तो गलती के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक, तो ये मेरे पास फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब ऑब्जर्वर अगर यहाँ है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और वो यहाँ से देख रहा है, मेरा मतलब नीचे यहाँ सेंटर पे है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ से देख रहा है, तो इसको क्या दिखाई देगा, इस साइड व्यू में क्या दिखाई देगा, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब ऑब्जर्वर यहाँ से अगर देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, अब इस साइड व्यू को बनाने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, तो सबसे पहले मैं नंबर केवल आपके लिए डाल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए, मैं ये मान लेता हूँ ये नंबर वन है, ये एक तो ये पोर्शन दिखाई देगा, ये कटा हुआ है ना, ये पोर्शन दिखाई देगा, तो ये अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा यहाँ से ले जाके, इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ से बिल्कुल अलाइन ये प्रोजेक्ट होगा, तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट बन गया, अब यहाँ से देखूंगा तो ये पॉइंट दिखेगा, इसको मैं ड्राफ्टर से बिल्कुल सावधानी से मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, आ गया, ठीक, तो अब आगे चलते हैं, आगे अगर वो देखेगा तो ये पॉइंट दिखाई देगा, ये वाला ऊपर वाला,
और एक ये पॉइंट दिखाई देगा, नंबर टू मान लेते हैं हम इसे, ये नंबर टू कंपोनेंट जो दिखाई दे रहा है वो ये इस फोर्क का दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखूंगा तो एक ये पॉइंट दिखाई दे रहा है और एक ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं अलाइन करते हुए प्रोजेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया ऊपर और ये पॉइंट आ गया। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, बस जो जो दिखाई दे रहा है आप वो प्रोजेक्ट करते जाएंगे। अब इसकी ये कैसे आएगी, ये तो पॉइंट हमें लेंथ मिल गई है ना, ऊंचाई मिल गई, अब इसकी ये चौड़ाई कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हम फिर देखते हैं पीछे। पहले मैं इसकी आई की बात करता हूँ, आई रॉड की, ये आई रॉड है ना, ये इसके अंदर असेंबल्ड है, तो ये 38 बाय 36 की है। ठीक, अगर ये ऐसे लगी हुई है, ये इस तरीके से लगी हुई है, इसमें फिक्स है और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मुझे ये बड़ा वाला एरिया तो ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 38 ही तो दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से देखूंगा तो ये 38 ही तो दिखाई देगा, ये इसकी हाइट कितनी है 36, और इधर से अगर मैं देखूंगा साइड से तो ये वाली रेंज ही तो मुझे दिखाई देगी चौड़ाई में, ये ऊंचाई तो मेरे पास आ गई, मुझे ये चौड़ाई चाहिए है ना, तो ये कितनी है इसकी 38, तो 38 पे आ जाओ, तो यहां से ये मुझ पे ऊंचाई तो मुझे मिल गई, मगर ये जो इसकी चौड़ाई है इधर वो कितनी है 38। अगर आप यहाँ से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, एक तो ये वाली लेंथ दिखाई दे रही है, ये ऊंचाई है 36 जैसा कि अब हमने देखा, और एक मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से ये चौड़ाई भी तो है, ये भी तो है, 3D व्यू में देखो है ना, ये चौड़ाई भी तो है, तो ये कितनी है 38 जैसा कि अभी हमने पीछे देखा, तो यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कितना आ जाऊंगा 38 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 38 आ जाऊंगा, ये डिस्टेंस मेरा 38 होगा, तो ये मेरे पास बॉक्स मिल जाएगा 36 बाई 38 का। ठीक, ये 36 बाई 38 का मेरे पास बॉक्स मुझे मिल जाएगा। ठीक, अब मैं आगे चलूंगा नंबर दो पर, नंबर दो पे चलता हूँ, तो ये थिकनेस मुझे चाहिए है ना, ये थिकनेस मेरे पास जो है वो ये आ चुकी है, ये थिकनेस चाहिए मुझे और इसकी एक चौड़ाई चाहिए, तो ये थिकनेस तो मेरे पास ये आ गई, इसकी ऊंचाई तो ये आ गई, अब इसकी मुझे चौड़ाई देखनी पड़ेगी, तो वो मैं इस व्यू में देख सकता हूँ आराम से है ना, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये थिकनेस आ गई, ये थिकनेस आ गई ऊपर नीचे, अब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, ये कितनी है इसकी है ना, ये इसकी कितनी है, तो ये देखो ये कितनी है ना, तो ये देखो आई एंड की कितनी थी 38, तो इसकी कितनी है, दोनों ऐसे जो जॉइंट है दोनों आपस में, दोनों की लेंथ सेम है, तो जो लेंथ सेम होती है या एक जैसी होती है ये बहुत सी बार नहीं लिखता है ना, तो आप देखो मगर यहाँ से जब आप देखेंगे, इस साइड से जब आप देखोगे तो ये वाली 38 आ रही थी, ये 38 आ रही थी, तो ये वाली ऊपर वाली, ये तो हाइट तो बढ़ गई बट चौड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये चौड़ाई तो सेम है दोनों की जैसा कि आप देख रहे हो उसमें है ना, तो ये भी कितनी है 38, तो मैं सिंपली यहाँ आ जाऊंगा, मैं सिंपली यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना आ जाऊंगा 38 है ना, जैसा कि अभी हमने विजुलाइज किया, क्योंकि ये जो चौड़ाई है ना यहाँ पे, ये जो 3D है वो भी ये चौड़ाई भी 38 ही है, इस फोर्क की हाइट अलग है, ये हाइट इसमें 36 थी, इसकी हाइट 12 और 12 ऊपर नीचे प्लस हो गई है, जो भी इसकी थिकनेस आई है हमारी है ना, मगर इसकी जो विड्थ है जो चौड़ाई है वो सेम है, तो ये पॉइंट हमारे पास था हाइट का, ये मैं दोबारा 38 ले लूंगा है ना, और ये आउटर बॉक्स बन जाएगा मेरा है ना, इधर से देखने तो ये मेरे पास आउटर बॉक्स भी बन गया, और इसकी हाइट 60 थी जैसा कि इसमें दे रखा है ना, जो भी आए आपकी हाइट, आपने एक बार ये फ्रंट व्यू सही बना लिया है तो आप यहाँ से जो भी पॉइंट आपको प्रोजेक्ट होके यहाँ मिल रहा है अलाइन होके, आप वो पॉइंट ले लीजिए। ठीक, इसकी चौड़ाई हमने डिसमेंटल व्यू से देख ली, अब मैं आगे चलूंगा, तो नंबर वन और टू हो गए मेरे पास, अब मैं को साफ कर देता हूँ थोड़ा, अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो मुझे आगे और क्या दिखाई देगा, ठीक वो देखते हैं, अगर मैं आगे चलूंगा इसमें तो मुझे ये पॉइंट दिखाई देगा गिब का, और एक ये पॉइंट दिखाई देगा, कितना
किसका, गिब का। अब मुझे ये वाली हाइड यहां से सीधे प्रोजेक्ट कर लो, मुझे कुछ नहीं देखना, ये प्रोजेक्शन आ गया मेरा, ये सेंटर लाइन पे ये कहीं प्रोजेक्शन आ गया है ना, ये सेंटर लाइन पे मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ। नीचे से भी मैं चाहूंगा तो यहाँ कहीं ये सेंटर लाइन एक्सटेंड किया मैंने, तो ये सेंटर लाइन पे यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, जहां भी आए ये अलाइन करके जहां कहीं भी आए। ठीक, अभी मुझे ये पॉइंट लोकेट हो गया, इसकी हाइट कितनी होगी मगर इसकी ये चौड़ाई कितनी है वो नहीं पता है मुझे, मगर अगर ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो इसकी उसे चौड़ाई भी दिखाई देगी, एक तो ऊंचाई दिखाई देगी और चौड़ाई दिखाई देगी, तो इसकी थिकनेस कितनी है वो हमें डिसमेंटल व्यू में यहाँ देखना पड़ेगा। तो ये देखो, अगर इधर से देख रहा हूं मैं, तो ये थिकनेस इसने 12 दे रखी है कि नहीं, ये इस वाली थिकनेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली थिकनेस, ये 12 दे रखी है इसने, तो इस गिब की और क्वार्टर की थिकनेस कितनी है, 12 है। ठीक, तो मैं अब यहाँ आ जाता हूँ वापस, इसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ से ऊपर से ये हाइट तो मिल गई इसकी, ये पॉइंट मिल गया, अब इसकी थिकनेस उसने 12 दे रखी है, तो सिंपली हमें 12 के लिए क्या करना है, इस सेंटर पॉइंट पर, ये सेंटर हमारे पास है ना, ये यहाँ से आया और ये 38 का सेंटर मुझे मिल गया, 38 का आधा करके ये सेंटर मिल गया है ना, इस सेंटर पे ये पॉइंट मुझे मिल गया, यहाँ से प्रोजेक्ट करके, यहाँ से प्रोजेक्ट करके जो भी आया, यहाँ से प्रोजेक्ट करके जो भी आया, अब इसकी थिकनेस मुझे पीछे से 12 मिल गई डिसमेंटल व्यू से, तो इस सेंटर पॉइंट से मैं 6 इधर ले लूँ और 6 इधर ले लूँ, तो मुझे ये लाइन मिल जाएगी ऐसे नीचे, आधा इधर आधा इधर, तो ये मुझे इसकी चौड़ाई मिल गई है ना, अब इसकी चौड़ाई मिल गई तो सिंपली आप इसे यहाँ नीचे लाके ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, सिंपली कोई इसकी डायमेंशन की जरूरत नहीं है हमें, ये ज्वाइन हो गया हमारे, ये इतना साइड भी बन गया अभी तक, नंबर 2 तक है ना, ये गिप तक बन गया हमारा है ना, ये गिप को अगर नंबर 3 आप मानना चाहते हैं तो नंबर 3 मान लीजिए। अब आगे चलते हैं, आगे अब हमें एक ये पॉइंट भी दिखाई देगा, ये क्वार्टर का पॉइंट भी दिखाई देगा और एक ये पॉइंट भी दिखाई देगा, तो सिंपली इसे मैं ले जाके प्रोजेक्ट कर लूँ इस सेंटर लाइन पे कहीं, सिंपली से यहाँ से ले जाके बिल्कुल अलाइन आएगा आपका, ये यहाँ सेंटर लाइन पे कहीं ये दो पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। अब इसकी थिकनेस जैसा कि हमें पीछे पता है 12 है ना, तो इसकी थिकनेस का आधा 6 इधर आधा 6 इधर, सिंपली ये लाइन मुझे मिल जाएगी है ना, 12 थिकनेस की 6 इधर सेंटर लाइन से, इसको मैं सिंपली यहाँ ज्वाइन कर दूंगा वेरी इजिली, इसे भी सेम यहाँ पे ऐसे कर लूंगा, तो ये मेरे पास फ्रंट व्यू बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हैचिंग की, ये इसने हैचिंग क्यों की है, यहाँ पे लाइनें क्यों खींची है ना, अब इन लाइनों की अगर मैं बात करूं, इस हिसाब कर देता हूँ मैं। ठीक, अब इसने ये लाइनें क्यों यहाँ पे करी हैं, आप देख रहे हो यहाँ से अगर आप इस शाफ्ट को देखोगे तो ये पोर्शन आपको कटा हुआ दिखाई देगा, यहाँ आपको मटेरियल दिखाई देगा, ये जो शाफ्ट है कुछ ऐसी है साइड से, तो यहाँ आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है, जो भी कटा पोर्शन होता है उसमें हम हैचिंग करते हैं। देखो यहाँ से देखोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 36/38 यही तो शाफ्ट है, 36/38 की, तो केवल ये पोर्शन आपको, ये 3D फिगर में बनाऊंगा, तो केवल ये पोर्शन आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो, साइड से देखते हैं तो आप क्या करेंगे, केवल इस अंदर वाले पोर्शन पर हैचिंग कर देंगे, ये आपको 45 डिग्री एंगल पर करनी है, 2 से 3 mm का, 4 mm तक का गैप रख सकते हैं आप, 45 डिग्री एंगल पर ये आप ऐसे हैचिंग कर देंगे। ठीक, तो ये आपके साइड व्यू पे हैचिंग हो जाएंगी। अब हमने इस पे हैचिंग क्यों करी है, फ्रंट व्यू पे हैचिंग क्यों की है, क्योंकि ये मैंने 1/2 काट के निकाल दिया है, अगर इस जॉइंट को मैं 1/2 काट के निकाल दूंगा तो क्या होगा, इसका ये जो आई एंड है ये दिखाई देगा मुझे, तो इस पे हैचिंग में कुछ ऐसे कर दूंगा है ना, कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो उस पे हैचिंग भी हम चेंज करते हैं, 45 डिग्री में इस डायरेक्शन में करूंगा इस पे आई एंड पे, और 45 डिग्री में इस डायरेक्शन में करूंगा। ठीक है, तो हम हमेशा हैचिंग चेंज कर देते हैं, ये दर्शा रहा है कि ये हमारा अलग दूसरा कंपोनेंट है, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट, बट इन दोनों कंपोनेंट को हमने असेंबल्ड कर रखा है, ये हैचिंग का डायरेक्शन ये समझाता है। ठीक,
अगर ये दोनों एक ही कंपोनेंट होते, सॉलिड होते, तो हम एक ही डायरेक्शन में दोनों पे हैचिंग करते हैं, मगर ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग है, इसलिए हमें इनका डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक, हैचिंग का डायरेक्शन 45 डिग्री रहेगा। ठीक, तो ये हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन के तैयार हो गया। अब हम टॉप व्यू की बात करते हैं। सेम टॉप व्यू में भी हमें यही करना है, ऊपर से प्रोजेक्ट करना है, इस थिकनेस को देखना है। ठीक, कैसे? यहां से। अब यहां से अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा, ऑब्जर्वर ऊपर से टॉप व्यू से देखेगा, तो उसको क्या दिखाई देगा? ठीक, तो इसने ये कटा हुआ पोर्शन बनाया है, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से 1/2 काट के निकाल दूं, इसको अगर मैं निकाल दूं ऊपर से, इस लाइन से, इस जॉइंट को काट के निकाल दूं, तो ऊपर से मुझे क्या क्या दिखाई देगा, वो ये कह रहा है सिंपली। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से देखूंगा तो ये बीच वाला सेगमेंट दिखाई देगा, ये वाला सेगमेंट। ये कौन सा सेगमेंट की बात कर रहा है? ये इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा है, इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा है ना। यहाँ से आप अगर ऊपर से देखेंगे तो ये सेगमेंट दिखाई देगा ना, जिसमें गिब और क्वार्टर फंसे हुए हैं। तो इस सेगमेंट की थिकनेस क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो हमें जानना है। तो देखो, इस सेगमेंट की ये दे रखी है 12 mm दे रखी है, गिब और क्वार्टर भी 12 mm थिकनेस के हैं, तभी तो जाएंगे इसके अंदर। तो ये ऑटोमेटिक क्या है, सिग्मा सेगमेंट 12 mm दे भी रखा है इसमें, देखो 12 mm दे रखा है। ठीक, अब इस सेगमेंट की ये लंबाई कितनी है, 45 mm ये दे रखा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, तो ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं, एक सिंपली सेंटर लाइन ले लेनी है। पहले शुरुआत आप सेंटर लाइन लेने के बाद ही करें। ये मैंने एक सिंपली सेंटर लाइन ले ली। ठीक, अब ऊपर से मैंने देखा तो ये सेगमेंट में इस सेंटर लाइन वर्टिकल ऑरिजेंटल वर्टिकल एक सेंटर लाइन ले लेता हूँ मैं, और फिर ऊपर से मैंने देखा तो ये पॉइंट मुझे कहीं मिल जाएगा, ये पॉइंट कहीं मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी थिकनेस मैं कितनी रखूंगा, 12, 12/45 का ये सेगमेंट बन जाएगा मेरे पास, है ना। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा है। अब अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो देखो ये सेगमेंट पे एक स्पेस है थोड़ा सा 3 mm का, और ये वाले 27 है गिब, है ना, सॉरी ये क्वार्टर 27 mm है। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 mm छोड़कर, है ना, जो भी ये डायमेंशन हो, यहां से इसकी थिकनेस ऊपर से आ जाएगी ये प्रोजेक्ट करके। आप यहाँ से सिंपली प्रोजेक्ट करिए सीधे, ये पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से प्रोजेक्ट करिए सिंपली सीधे, ये पॉइंट मिल जाएगा। अब ये 27 है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करिए सीधे, इससे यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे आप तो ये बॉक्स मिल जाएगा आपके पास। ठीक, ये इतना मिल जाएगा, जो कि 3 mm ये खाली रहेगा, बाकी इस पे हैचिंग हो जाएगी। अब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये गिब दिखाई देगी, ये भी 12 mm की है ना, इसकी जो थिकनेस है वो भी 12 mm है। तो ये थिकनेस में ये यहाँ कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना। आप प्रोजेक्ट करेंगे, सारे प्रोजेक्शन आपके एज इट इज आएंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर पूछ सकते हैं। अच्छा, ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये ऊपर से देखने पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये गिप से कवर हो जाएगा। ऊपर से देख रहा हूं तो ये गिप से कवर हो गया, तो ये दिखाई नहीं देगा, ये नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैं ये वाली लाइन डॉटेड बनाऊंगा कुछ ऐसे, इसको मैं डॉटेड खींचूंगा। ये डिजिटली मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट आप इसको यहाँ पे डॉटेड खींचेंगे। ठीक, और यहाँ से ये प्रोजेक्शन आ जाएगा, ये वाला प्रोजेक्शन। तो ये पूरा सेगमेंट के अंदर की बात हो गई, 45/12 का जो सेगमेंट है वो ये इसके अंदर की बात हो गई। अब ऊपर से दोबारा देखेंगे, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से ये कुछ दिखाई देगा, ये एज दिखाई देगा, है ना। ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये एज दिखाई देगा, तो ये एज यहाँ आ जाएगा, है ना। इसने हैचिंग करी है, आधी हैचिंग क्यों की है अभी बताएंगे, आप पूरी हैचिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब आपने जो भी डायमेंशन यहाँ ली थी एक्स्ट्रा, उसको आपको यहाँ ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब सिंपली मैं यहाँ से लूंगा तो ये गिब का आ गया, ये इसका आ जाएगा, ये इसका
यहाँ आएगा, है ना, ये अलाइंड आएगा, आपका ड्राफ्टर होगा आपके पास, तो ये अलाइन आएगा, ये लाइन यहाँ आएगी, हैचिंग हमें पूरे में करनी है, ऊपर से आप देखेंगे तो ये यहाँ आएगा, इस व्यू में अलाइन नहीं आ रहा, बट जब आप प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वाला पूरा अलाइन आएगा यहाँ पे, ये लाइन शिफ्ट होके यहाँ आएगी, ठीक है, आप प्रोजेक्ट करेंगे तब ऑटोमेटिक आएगा। अब इसमें आधी हैचिंग दे रखी है, आप चाहें तो इसे पूरी हैचिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हैचिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी आप इसे पूरी हैचिंग कर दें, ठीक है। तो ये आपके तीनों व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में गिब एंड क्वार्टर के बन जाएंगे, आपको ये तीनों व्यू शीट के ऊपर इस डायमेंशन में बनाने हैं, है ना। तो अब आपके जो भी डाउट हैं आप वो वन बाय वन करके पूछ सकते हैं, है ना, फिर हम आगे चलेंगे शीट पे कैसे काम करना है।